कल जब भाई साहब से मेरी बात हुई कि मुझे ऐसा आभास था कि आज हम किसी प्लान के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और मुझे ये भी आभास था कि आज का दिन हमारे पत्रकारिता के हिसाब से थोड़ा सा बिजी रहने वाला है। पाकिस्तान में मृत्यु वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन 210 लोगों को गिरफ्तार, वो हिंदू नहीं है, वो हैं जिन्होंने के अटैक, तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग होनी है। और मैं आपको छोटी सी बात एक बताऊं, मेरी कल चर्चा भी हुई इस बारे में, अंदर की जो बात आई है, पाकिस्तान में इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। उसका लक्ष्य वहां का अल्पसंख्यक नहीं है, उसका लक्ष्य भारत का बहुसंख्यक है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के विरोध में ऐसी घटनाएं भारत के बहुसंख्यक को नाराज करेगा, और पाकिस्तान चाहता है कि भारत का बहुसंख्यक भारत के अल्पसंख्यक पे इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे, ताकि भारत की शांति, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है, पाकिस्तान भारत से मोहड़ा ले सकता। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि उनके षड्यंत्र में हमें नहीं, उल्टे हमारा अल्पसंख्यक हमारे लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। इसलिए हमें चाणक्य को चीन जो चले गए हैं वहाँ से खींच के वापस लाने की ज़रूरत है, और हमें ज़रा सोच समझ कर सोचने और समझने की और बात कहने की आवश्यकता है। एक बात, इसराइल में चुनाव है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ह्यूस्टन टेक्सास में एक बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउडी मोदी। 50,000 के ऊपर प्रवासी भारतीय उसमें सम्मिलित होने वाले हैं, तो हमारे करेस्पॉन्डेंट्स हैं, हमें उनके साथ ये सारे स्टोरीज मैनेज करनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी। तो कल मैंने ये सोचना शुरू किया कि मांडुक्य उपनिषद क्योंकि सबसे छोटा उपनिषद है, तो पिछली बार हमने उसको चर्चा में ले लिया, आज अगर उपनिषद को ही उठाते हैं तो जो भी उपनिषद उठेगा वो क्योंकि इतना वृहद होगा, और आज की जो समय की जो स्थिति है उसमें उसके साथ न्याय नहीं होता, तो क्या किया जाए। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जगी, और आपकी अनुमति हो आप सबकी, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करूँगा। आप क्या सुनना चाहते हैं उससे अलग हटकर आज मैं वो कहूँगा जो मैं शायद कहना चाहता हूँ आज के परिवेश और आज के अवस्था। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणेश चतुर्थी अभी गई है, श्राद्ध पक्ष में अभी हम आज की चतुर्थी है। बिल्कुल, आज जो है तिथि के हिसाब से चतुर्थी चतुर्थी है, बिल्कुल सही। और इसको अंगारकी कहते हैं, अंगारकी है इसलिए क्योंकि मंगलवार को है, कृष्ण पक्ष की है और चतुर्थी चतुर्थी, तो अंगारकी चतुर्थी। बिल्कुल सही बात, आज के दिन गणेश जी का जो पूजन प्रारंभ करता है, जब जाप वगैरह शुरू करता है, उसको बहुत सफल माना जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात। तो श्राद्ध पक्ष है और 29 तारीख के बाद से नवरात्रे लग जाएंगे, और नवरात्रे कंप्लीट होने के बाद दशहरा मनाने के बाद दिवालिया। तो पिछले सेशन में जो हमने मांडुक्य उपनिषद में चर्चा करी थी उसकी व्यवहारिकता पुराणों के माध्यम से हमारे जीवन में क्या है, उसका कनेक्शन मैं आज एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। आपके से जो लोग भी पिछले सेशन में उपस्थित रहे होंगे, आपने देखा होगा कि हमने ओम के चार रूपों को समझने की कोशिश की, जैसा कि मांडुक्य उपनिषद में बताया गया। इन चार रूपों को पौराणिक तौर पे अगर व्यवहार में धारण करना है तो सनातन परंपरा ने उसकी जो व्यवस्था बना रखी है, उस व्यवस्था को हम गणेश चतुर्थी से शुरू करते हैं। श्राद्ध पक्ष दूसरा पक्ष है, नवरात्रि तीसरा पक्ष है, और दिवाली उसका चौथा पक्ष है। वो कैसे है इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। गणेश जी की एक तरीके से देखा जाए तो सारे भारतीय सनातन परंपरा के पर्व गणेश जी से आ रहे हैं। आजकल जो आरती
चलती है और उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ऊपर नाम है आपका राकेश जी, नाम सिर्फ साइन करना है, नाम ऊपर लिखा। लेकिन गणेश पुराण अगर हम देखते हैं तो गणेश पुराण के उपासना खंड में 13वें अध्याय के 3वें श्लोक से 14वें श्लोक तक असल मायने में गणेश स्तोत्रम ये वहां पे उपलब्ध जिसको गणेश स्तुति नहीं होगा। इस गणेश स्तुति के मंत्रों को अगर हम देखें और मांडुक्य उपनिषद को अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि मांडुक्य उपनिषद के मंत्रों का भाव मानवीकरण करते हुए गणेश स्तुति में होता तो वो है अजम निर्विकल्पम निराकारनेकम निरानंदमानंदम अद्वैत पुराण। इस तरीके से परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम पर ब्रह्म रूपम गणेशम भजे भजे म। ये असल में अगर इसको देखा जाए और मांडुक्य उपनिषद के जो मंत्र हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो ओम इत्येतद् अक्षरम इद्गुम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यद इति सर्वम ओंकार एव। यहाँ पे सिर्फ ओंकार की जगह पे गणेश अगर डाल दीजिए तो एज इट इज ये पूरा का पूरा मंत्र गणेश जी की स्तुति में कन्वर्ट हो जाएगा। ओम इत्येतद् विघ्नेश्वर इदुगुम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यद इति गणपते एव यच्चान्यत्रिकालतीतं तदप्योंकार एव। तदप्योंकार की जगह पे तदप्प गणपताय नमः कर दीजिए। एज इट इज मीनिंग वैसे का वैसा ही आता। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पुराणों में जो आम जनमानस के लिए हमारे पर्व को मनाने की जो व्यवस्था दी गई थी वो उपनिषद से एज इट इज उसकी फिलॉसफी उसकी दर्शन उसके एसेंस को मानव मात्र के पर्व पार्वती से जोड़ दिया गया था। आज की जो आरती है उसको अगर सुन लें गणेश जी खुद तो वो खुद मुकेश जी के गीत गाना शुरू कर देंगे। आंसू भरी है जीवन की राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। गणेश चतुर्थी मनाने का जो फिलॉसफी है वो मांडुक्य उपनिषद का पहला जो ओम का चरण है जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुख। ये सप्तांग एकोनविंशति मुख मतलब अपने सारे शक्तियों के अनुसार जो भी हमारी देखने सुनने छूने चखने सोचने समझने मनन चिंतन जितनी हमारी ताकत है इसके माध्यम से पूरी दुनिया को जिस तरीके से हम समझ सकते हैं उसी समझने की प्रक्रिया के लिए ये 14 दिन स्थापित किए गए। बारिश का टाइम होता है, बारिश 14 दिन के बाद माना जाता है कि शायद अंत होगा। ये आखिरी के 14 दिन गणेश जी को स्थापित करना ताकि आप सृष्टि को संपूर्ण कायनात को देश दुनिया में क्या हो रहा है उसका मूल्यांकन कर सकें। और जो कहानी चली आई है कि मैल से पार्वती जी ने गणेश जी को बनाया और फिर शिव जी नाराज़ हुए और उन्होंने गर्दन उतार दी और उसके ऊपर हाथी का शीश रखा गया, उसके पीछे अर्थ ये हाथी का शीश क्योंकि हाथी से बड़ा किसी और का सर नहीं होता।
और आम जनमानस के मन मस्तिष्क के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इसके लिए अपने मन मस्तिष्क को बड़ा करने की आवश्यकता है। तो इस पौराणिक कथा के माध्यम से सिर्फ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हाथी जैसा मन मस्तिष्क बनाने की आवश्यकता है। और हाथी की खासियत ये होती है कि उसके सूंड से वो दो काम एक साथ करता है। सूंघता भी उसी से है और हाथ से काम भी उसी से लेता है। हाथ तो है नहीं उसके, तो इसीलिए गणेश जी को कहा जाता है ज्ञान और कर्म का एक कंप्लीट फ्यूजन। इसलिए गणेश जी से ये शुरुआत की जाती है। तो क्या करना है इसमें? बहिष्प्रज्ञा, जो ओम के पहले चरण में कहा गया है कि बाहर के कायनात को समझना है। तो गणेश चतुर्थी के समय पे ये श्राद्ध पक्ष जब आता है तो मांडुक्य उपनिषद का जो दूसरा चरण है, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोन विंशति मुखर प्रविविक्त भुक्त तैजसो, तो ये जो श्राद्ध पक्ष के 15 दिन प्लस 16 दिन, बेसिकली 16 दिन, इन 16 दिनों के अंतर्गत गणेश चतुर्थी के दौरान जो सारा मूल्यांकन बहिष्प्रज्ञा के माध्यम से किया गया है, अब वो मूल्यांकन अंतर्मुखी हो। इसीलिए कहा जाता है श्रद्धा का पर्व माना। इसके ऊपर एक छोटी सी कथा भी है। कथा ये है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और सब स्वर्ग पहुंच चुके हैं। दानवीर कर्ण भी स्वर्ग पहुंचे। अब जितने मित्र थे, जितने शत्रु थे, वो सब मिलकर एक बड़े अच्छे मित्र में तब्दील हो चुके हैं स्वर्ग में। अब वहां कोई द्वंद नहीं, पर एक व्यक्ति बहुत परेशान है वहां पे, वो है दानवीर कर्ण। इसलिए क्योंकि उनको भोजन में हीरे जवाहरात सोना चांदी परोसा जा रहा है, खाने योग्य कुछ उनको दिया नहीं जा रहा। अब उन्होंने इंद्र भगवान से पूछा कि महाराज ये क्या है यार, इसको कैसे ग्रहण करेगा आदमी? तो उन्होंने कहा महाराज आपकी मैं कोई मदद ना कर पाऊंगा, आपको साक्षात यम जी से मिलना पड़ेगा, वही इसका कोई रास्ता बता पाएंगे। तो वो यमराज के पास गए, उन्होंने पूछा महाराज ये कैसे ग्रहण करेगा आदमी? उन्होंने बोला भाई साहब आपने जो धरती लोक पे लिया दिया वही उसी का प्रतिफल आपको यहाँ मिल रहा है। बोले महाराज हमने तो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। तो यमराज जी ने कहा कि आपने कभी किसी को जल भोजन दिया है? आपके बारे में कोई एक आदमी ऐसा है धरती लोक में जो कि खड़ा होकर कह दे कि हमें दानवीर कर्ण ने दो कौर भोजन कराया और एक चिल्लू भर पानी पीने को दिया? तो महाराज वो तो मैं कर नहीं सकता था, मैं तो शुद्ध पुत्र कहलाता हूँ, मेरे हाथ से कोई कैसे ग्रहण करेगा? बोले ये आपकी सामाजिक व्यवस्था है, आपको उचित लगी तो आपने भी माना, पर अगर आप उचित होते तो ऐसी कुरीति को आप मानते नहीं, पर हम तो ऐसी बातों को नहीं मानेंगे। आपने सोना चांदी दिया, आपको सोना चांदी ही ग्रहण करने को मिलेगा। तो कर्ण ने कहा महाराज तो फिर कोई उपाय बताइए। बोले आप एक काम कीजिए, अब आप धरती लोक पे जाएंगे, 15 दिन आप धरती लोक पर बिताएंगे और श्रद्धा पूर्वक बिताएंगे, 16वें दिन पूजा अर्चना करके आप वापस पुनः स्वर्ग लौटेंगे और जितनी श्रद्धा से जो भी आपने धरती लोक पे इन 15 दिनों में किया होगा उसी का प्रतिफल आपको स्वर्ग लोक में मिलेगा। तो दानवीर कर्ण ने कहा महाराज हम अकेले नहीं जाएंगे, हमें एक बड़ा ब्राह्मण चाहिए साथ में चलने। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चुन लीजिए। तो कपिल ऋषि को लेकर के गए वो साथ में और 15 दिन उन्होंने पितृ पक्ष की शुरुआत करी, जिसमें कहा जाता है कि वो अंतर्मुखी हुए और उन्होंने न सिर्फ उनके जीवन काल में क्या हुआ इसका मूल्यांकन किया, उन्होंने अपने पिता माता दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी परनाना परनानी तीन पुश्त पीछे का मूल्यांकन किया। साथ के साथ ये भी मूल्यांकन किया कि मौजूदा व्यवस्था में आज जो वर्तमान में है उसका अगला जनरेशन यानी कि हमारे बच्चे
और उनका अगला जनरेशन यानी तीन पुश्त पीछे तीन पुश्त आगे इन छह पुश्तों को एक साथ अवस्था का मूल्यांकन किया। अवस्था का मूल्यांकन क्यों किया? अवस्था का मूल्यांकन इसलिए किया गया ताकि अधिष्ठान तय हो सके। अधिष्ठान का मतलब होता है आधार। किस बात का आधार? अनुष्ठान का आधार। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो सिर्फ नाम रूप नहीं है, व्यवहार में उतारने की भी चीज है। और वो क्या है? अवस्था का मूल्यांकन, जिसके कारण आप अधिष्ठान तय कर पाएंगे और उसी के अनुसार अनुष्ठान हो पाएगा। जब तक पहले दो नहीं होंगे आप कोई अनुष्ठान कर लीजिए वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये व्यवहार की चीज थी। तो ब्राह्मण क्यों लेकर के आए थे? कर्ण दानवीर कर्ण ब्राह्मण वो इसलिए लेकर के आए थे कि ब्राह्मण को जो भोज करने की कराने की प्रथा जो रही, उस प्रथा का अर्थ ये था कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात वो ब्राह्मण आपके साथ विचार विमर्श करे, आपका जो छह पुश्तों की अवस्था का जो मूल्यांकन है उस मूल्यांकन पे अपनी टिप्पणी करे, और वो ये बताएगा कि अवस्था का मौजूदा अवस्था का मूल्यांकन कैसे हो ताकि उसके आधार पर अधिष्ठान अनुष्ठान तय हो सके। ये श्राद्ध पक्ष का पौराणिक तौर पर, और जो कि मुझे बहुत साइंटिफिक लगती है, मुझे इसमें कहीं से कहीं कोई त्रुटि इसमें नजर नहीं आती है, बहुत सुंदर फिलोसफी है। ये अधिष्ठान तय हो जाने के बाद अनुष्ठान की शुरुआत नवरात्रि से, और ये नौ दिन नवग्रहों को साक्षी मानते हुए अनुष्ठान तय किया जाता है कि अगले गणेश चतुर्थी के आने तक सांसारिक रूप में हमें अपना कर्म किस रूप में स्थापित करना है। साथ के साथ हमें परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म के नजदीक जाने किन युक्तियों किन योगों का उपयोग करना है, और जब ये फलीभूत हो जाता है तब उसे मोक्ष के रूप में हम दिवाली प्रकाश पर बोलते हैं। तो दिवाली सिर्फ ये नहीं है घर के आगे हमने दिया डाल दिया, वो एक रूप है, नाम रूप है। पर अगर अंदर प्रकाश नहीं जग रहा है, किस बात का प्रकाश? मेरी अवस्था क्या है? आने वाले समय के हिसाब से मेरा अधिष्ठान क्या होना चाहिए? क्या संकल्प ले रहा हूं मैं, और उस संकल्प का प्रतिपादन कैसे होगा, अनुष्ठान कैसे होगा? अगर इन तीन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है या इसके आसपास भी है तो आप मन हर्षित प्रकाशित रहेंगे, और उसके बाद हर्षोल्लास से आप जो है मनाइए। तो मांडुक्य उपनिषद में ओम के जो चार चरण माने गए, बहिष्प्रज्ञा अंतःप्रज्ञा जिसको स्वप्न स्थान कहा जाता है, और तीसरा यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो यानंद भुक्त चेतो मुख तृतीय पाद त्रेतो मुख। नवरात्रि के अंत तक आपका आपकी चेतना तीन भूत वर्तमान भविष्य तीनों को एक साथ देख पाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप ब्रह्म विष्णु महेश तीनों को महसूस कर पाए। और इसके बाद ईश सर्वेश्वर ईश सर्वज्ञ ईश अंतर्यामी ईश योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। इसी के बाद आप चौथी अवस्था में आ सकते हैं जिसमें कि आप अंदर बाहर से प्रकाशित महसूस करें, संकल्पित महसूस करें,
और समाज के प्रबुद्ध विप्रजनों के साथ मिलकर किसी एक मुहिम को आगे लेकर के जा सके। तो बेसिकली सनातन परंपरा का पर्व पार्वती तब होता है जब गणेश चतुर्थी, श्राद्ध, नवरात्रि और दिवाली इन चारों को एक तारतम्य में जिया जाए। विडंबना आज ये है कि शायद ये एसेंस जो है वो मिसिंग है। जो लक्षण जो हैं, हम सिर्फ लक्षणों की तरफ ध्यान दे रहे हैं ना। हाँ, तो जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, पिंडी दान का जो कॉन्सेप्ट है, अब इसका मैं बहुत पुख्ता तौर पे, प्रमाणित तौर पे नहीं कह पाऊंगा, ये सिर्फ मेरा एक कैलकुलेटिव गेस है कि पिंड दान की व्यवस्था एक समय में कुछ अच्छे पढ़े लिखे समझदार विप्रजनों ने इसलिए दिया होगा क्योंकि भारतवर्ष में महामारी की स्थिति रही समय समय पर, भुखमरी की भी स्थिति रही, तो उसमें राजा के साथ साथ जितने विप्रगण थे उन सबको ये कहा जाता था कि भाई ऐसी व्यवस्था करो, अब समझ लो आपके ही पित्र हैं, आपको नहीं पता किसकी आत्मा किसमें है, तो ये पिंडदान का कॉन्सेप्ट शुरू करो। पर उस पिंडदान के बाद शायद कभी अवस्था का मूल्यांकन दोबारा हुआ है। मेरा अनुमान ये है कि उसमें उस प्रति में थोड़ा सा उसका उल्लेख कि ये जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष में दान के समय जब दान देते हैं तो उस समय जिसे भी आप दान देते हैं ये माना जाए कि वह आपके किन्हीं आने वाली माने हो चुकी कुछ पीढ़ियों का प्रतिनिधि है। बिल्कुल, ये तो उस समय ये दान देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बात ये कह रहा हूँ कि दान में दान देना चाहिए, मनुस्मृति में ये बात तो बिल्कुल है कि दान देना चाहिए, पर दान में और दान में श्वेत जो अन्न वह अवश्य हो। हाँ, तो ये श्वेत अन्न, श्वेत वस्त्र, ये दो चीज़ें का उसमें हमने एग्जैक्टली exactly. लेकिन सनातन परंपरा में अवस्था के मूल्यांकन की भी परंपरा है, अवस्था के मूल्यांकन की भी परंपरा है। तो आज के हिसाब से अगर हम देखें, क्लाइमेट चेंज अगर आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और पिंडदान दें पर साथ के साथ त्रिवेणी दान भी तो दिया जा सकता है, क्यों बरगद, पीपल और नीम एक साथ दान के रूप में रोपा नहीं जा सकता है? क्योंकि आत्मा हमारे पूर्वजों की चिड़िया में भी हो सकती है, गिलहरी में भी हो सकती है, और चिड़िया गिलहरी हमारे तीन पिंडी एक दिन दे देने के माध्यम से पूरे साल भर नहीं जीवित रह सकते, पर हमने अगर एक पीपल, एक नीम, एक बरगद अगर हमने पिंड दान के तौर पे अगर हमने लगा दिया, जो कर रहे हैं वो करते रहें, छोड़े नहीं, पर साथ में सिर्फ एक ये चीज़ ऐड कर देते हैं उसमें, तो क्या हम समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वो जैसे जैसे पनपता रहेगा, जब वो फलेगा फूलेगा, हर एक पक्षी, हर एक गिलहरी जो आकर इन पौधों पे बैठकर इनके फल को खाएगा, अपनी भूख मिटाएगा, तृप्ति महसूस करेगा, इनकी छाया में एक गरीब गाय अगर बैठकर आनंद महसूस करेगी, चार लोग अगर बैठकर कुछ चर्चा वार्तालाप उपनिषद करेंगे, तो क्या ये आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? क्या ये लगातार नहीं होगी? मेरा कहने का मतलब ये है कि और आज के अवस्था की आवश्यकता है, इसके अलावा आज हमारे पास चारा नहीं है। आप लोग तो आज बहुत ताकत की स्थिति में हैं, दो लेवल पे काम कर सकते हैं, एक बल्कि हम आपके साथ काम करना चाहेंगे इस चीज़ में। एक लेवल पे तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि 13 लाख हेक्टेयर जंगल हर साल क्यों कट रहे हैं, किस विकास के नाम पर? 13 लाख हेक्टेयर क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कितना वृक्ष होगा वो, या आम जनता तो नहीं काट रही? और दूसरे, हमारी नदियां, गंगा, जमुना, नर्मदा,
इनको स्वच्छ क्या बगैर पेड़ पौधे के हम रख पाते हैं? क्या ग्राउंड वाटर बगैर पेड़ पौधे के ऊपर आ पाएगा? क्या इसका कोई और उपाय है? अगर कोई उपाय ही नहीं है तो फिर हम इसको अपनी परंपरा के साथ क्यों नहीं जोड़ सकते? मेरा सिर्फ इतना सा ही कहना है। क्या टाइम हो गया है मां? तो मेरा जो एक तरीके से एक मैं अपने सार पे ही आ गया हूँ एक तरीके से कि सनातन परंपरा में जो दर्शन है उसको जीना और सनातन परंपरा का पर्व मात्र पर्व बोलकर मनाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। बगैर चिंतन के सनातन पर्व पार्वती नहीं हो सकता। पर्व जब कंप्लीट होता है तो पार्वती क्या होता है? हर एक इष्ट की शक्ति को हम देवी के तौर पर पूजते हैं। पार्वती शिव की शक्ति है इसलिए हम उनको पूजते हैं। कोई उनको पत्नी माने या वो अपना रिलेशन वो खुद जुटाए, लेकिन सनातन परंपरा में इष्ट निर्गुण है, शक्ति सगुण है। इसलिए शिव निर्गुण माने जाते हैं और पार्वती क्योंकि उनकी शक्ति उनको सगुण माना जाता है। तो शक्ति की उपासना मतलब कि इष्ट के एसेंस की उपासना, मूर्ति की उपासना मात्र नहीं है। मूर्ति हमारे लिए एक फोकस का मतलब है। हमारे जो कर्मकांड हैं वो हमारे लिए एक फोकस का मतलब है। पर एसेंस मिस हो जाए पूरे के पूरे कर्मकांड से तो फिर उस कर्मकांड का कोई खास उपयोगिता नहीं है। तो इस श्राद्ध पक्ष में अब मैं अपने आप को ब्राह्मण कह सकता हूँ कि नहीं, मैं खुद रोज ही डाउट में रहता हूँ क्योंकि ब्राह्मण के जो क्रिया कर्म है उसको करने की कोशिश तो मैं करता हूँ और मैं कर्मकांड की बात नहीं कर रहा हूँ। अध्ययन समझ चिंतन पर हर रोज रात में लगता है कहीं कोई कसर रह गई है। तो मुझे बड़ी जलन ईर्ष्या होती है उन लोगों से जो बड़े गर्व से कह पाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं उतने गर्व से कह नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कर्म अभी उस लेवल पर पहुँच नहीं पाया है। अभी भी लगता है कि नाक काबिलियत से अभी भी बड़ी है। काबिलियत कब नाक से बड़ी होगी तब शायद कह पाएंगे थोड़ा सा ब्राह्मण है कि नहीं, लेकिन फिलहाल की विषय वस्तु में अगर देखें तो जिस तरीके से हमारी परंपरा चल रही है हम सनातन परंपरा को नहीं चला। एक पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता है और ये नीचे से नहीं होता, ये शायद कहीं ना कहीं सीट ऑफ अथॉरिटी से नीचे परकुलेट करना पड़ेगा और ये ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, इसको समझा करके ही आकर्षित करके ही किया जा सकता। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर कुछ हम वार्तालाप करें तो मैं उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है कि हम इसमें पढ़ सकें। आज हमने बोर कर दिया आपको। नहीं नहीं, एक नई चीज हमको एक नए तरीके से, और आपको तो भाई साहब एक घंटे का तो लिटरेचर किसी न किसी चैनल के माध्यम से देना चाहिए, सभी देशवासियों का काम आए। लोग गणेश जी के मंत्र तो सीख जाएंगे कुछ नहीं, क्या कि हकीकत में आदमी मिथ्या पे जी रहा है। बिल्कुल सही बात है।